भारत देश एक त्योहारों का देश है, मल्टी कल्चरल कंट्री है हमारी, और अलग अलग कल्चर के अलग अलग सेलिब्रेशंस, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, और अलग अलग मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी, और अलग अलग रिलीजन के आधार पर भी हम अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं बेटा। हमें बहुत मज़ा आता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, आनंद आता है, हम बहुत कुछ नया करते हैं हर फेस्टिवल्स पर। तो आज हम भारत देश के हमारे फेस्टिवल्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ सीखेंगे। नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। आज आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लाइक तो बनेगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आर फेस्टिवल्स, ये एक सिंबल है दीप, और ये कुछ कलर्स हैं। जैसे कि हम ये जो दिए हैं हम दिवाली पर जगाते हैं, उसी प्रकार ये जो कलर है हम होली पर इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा फेस्टिवल्स के बारे में बताता हूँ आपको। फेस्टिवल्स हम जनरली परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, आस पड़ोस के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या है कि स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन, ऑफिसेज बंद होते हैं उस दिन, सब लोग घर पर रहकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। यही भारत देश की परंपरा है। और हम बहुत नए नए अच्छे नए नए सुंदर कपड़े भी पहनते हैं, और अच्छा भोजन खाना भी बनाते हैं। तो यही खासियत है हमारे भारत देश के त्योहारों की। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से त्योहार हम मनाते हैं। सबसे पहले हम अपने नेशनल डेज की बात करेंगे, जो कि हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन दे के जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा बलिदान के बारे में बताती है, जो हमारे देश भक्तों ने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में एक आज़ाद धरती पर सांस ले रहे हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और उनको नमन, उनको मेरा प्रणाम, जय हिंद जय भारत, उनको मेरा हमेशा प्रणाम। राइट बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस भी कहते हैं बेटा। रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था पहली बार, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद हमारा जो नेशनल डे आता है, दैट इज 15th of August। ये हमारा आज़ादी का दिन 1947, भारत इस दिन आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के चुंगल से हम बाहर निकले थे, और इस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर अपने देश वापस लौट गए थे। भारत की जो बागडोर है हम लोगों के हाथ में ही सौंप गए थे। राइट, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, 15th of August। अब आती है बात बेटा एक नेक्स्ट नेशनल डे, विच इज 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर ये हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती के उपलक्ष पर। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, उनके बर्थडे पर हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। सेम डे ही भारत के लेट पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म होता है। राइट,
तो ये चीज़ हम मतलब सेम डे हम उनका जन्म भी सेलिब्रेट करते हैं, और महात्मा गांधी का भी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का भी हम बर्थडे, जन्मदिन इस दिन मनाते हैं। क्या डेट है बेटा वो? 2nd अक्टूबर। राइट। चलिए अब हम अदर फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे जो कि हम सब लोग मिलकर अलग-अलग धर्म से रिलेटेड भी है ये वो मनाते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे गुरु पर्व। गुरु पर्व, गुरु का जो पर्व होता है ये सिख धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट, अहम पर्व होता है बेटा। इस दिन गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष में गुरु पूर्व मनाते हैं, और ये जनरली दिवाली के करीब 15 दिनों बाद आती है। करीब करीब दिवाली के 15 दिन बाद आती है, यानी कि अगर दिवाली अमावस को है तो गुरु पूर्व पूर्णिमा को होता है, तो उनमें डेफिनेटली करीब 15 दिन का गैप रहता ही है। अब आती है बेटा दिवाली की बात। दिवाली बेसिकली हिंदू धर्म में मनाया जाता है, बट अब तो सब सब ही दिवाली मनाने लग गए हैं। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं। इस दिन हम दिए जगाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे माता सीता के साथ, और इसलिए हम दिवाली का ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया में ये त्योहार सेलिब्रेट होता है, मैक्सिमम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतवासी लोग वास करते हैं। ठीक है बेटा। ईद, ईद मुसलमानों का त्योहार है। इस दिन सब लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद विश करते हैं, ईद मुबारक, मिठाइयाँ सेवइयाँ बांटते हैं, और मस्जिद में जाकर प्रेयर करते हैं अपने अल्लाह की। राइट। क्रिसमस, क्रिसमस डे बेटा क्रिश्चियन का त्योहार है। इस दिन जीसस, जीसस का जन्म हुआ था, ये हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन क्रिसमस ट्री से सजावट करते हैं हर कोई। सेंटा आता है, कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी एक दूसरे को देते हैं, चर्च जाते हैं, कैंडल जगाते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं हम इस फेस्टिवल में। राइट। तो ये भी एक त्यौहार है जो कि हम सब मिलकर मनाते हैं। जनरली आजकल स्कूल्स में भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, आपके स्कूल में भी हुआ होगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको मैचिंग करनी है। हमें पता लग गया नेशनल फेस्टिवल्स कौन से थे और अदर फेस्टिवल्स कौन से हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा फेस्टिवल कब होता है। क्रिसमस कब होता है बेटा? क्रिसमस मैंने बताया था आपको, क्रिसमस बताइए कब होता है। 25th of December। राइट। तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। देखिए 25th of December यहाँ है। रिपब्लिक डे कब होता है बेटा? 26th January। राइट। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, तो इसको इसके साथ मैच कर दीजिए। इंडिपेंडेंस डे कब होता है बेटा? 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। और ये बताइए गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर। 2nd अक्टूबर को हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं बेटा, हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा है बेटा कुछ तो नेशनल डे सीखे हैं हमारे। नेशनल डेज कौन कौन से थे हमारे? 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे था, और 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे था, और 2nd अक्टूबर को हमारा गांधी जयंती। ये थे हमारे नेशनल डेज। अब अदर फेस्टिवल्स के बारे में भी हमने सीखा, कौन कौन से थे बेटा? दिवाली, गुरुपुर्व, ईद, क्रिसमस। ठीक है बेटा, ये फेस्टिवल हमें पता होने चाहिए। क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो कि आज की क्लास में हमने सीखी हैं।
तो मुझे उम्मीद है बेटा फेस्टिवल्स के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी हो गई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।